व्यापार मंडल उधमपुर की टीम पहुंची जिला अस्पताल और नए जो MS आए हैं BL चौधरी के साथ की मुलाकात। दैनिक श्रेष्ठ समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। आज व्यापार मंडल की टीम उधमपुर के जिला अस्पताल पहुंची और वहां पे जो नए मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब आए हैं उनसे मुलाकात की। BL चौधरी यहां पे भी कुछ दिन पहले ही MS के रूप में पहुंचे हैं जिला अस्पताल में, और उनके साथ आज व्यापार मंडल की जो मुलाकात थी वो किन मुद्दों को लेकर थी, ये हम आपको जरूर दिखाएंगे। तो आइए दिखाते हैं हमारी ये रिपोर्ट। देखो, हम तो कोशिश कर रहे हैं। हम जो लोगों ने आज से 5-7 दिन पहले भी लोगों ने एक डिमांड की थी जहाँ CT स्कैन आउट ऑफ ऑर्डर है, तो पहले ही मेरे आने से पहले ही वो प्रोसेस में था ठीक के लिए। अब वो भी ठीक हो गया, सारी हमारी डायग्नोस्टिक्स कंप्लीट चल रहा है, अच्छी एडमिशन हो रही। मैं यहाँ स्टडी आज सुबह ही कर रहा था, जहाँ 800-900 के करीब तो डेली OPD होती है, 30-35 के करीब डेली एडमिशन्स होती है, तो तकरीबन अच्छा काम चल रहा है। तो थोड़ा एक लोगों को मैं एक आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जहाँ हॉस्पिटल में जो फ्री सर्विस हैं उनका फ़ायदा उठाएं। जैसे हमारे एडमिशन्स हैं, आफ्टर एडमिशन 100% सब फ्री है अंडर आयुष्मान भारत। जो भी खर्चा आता है, अगर डिलीवरी साइट जाओ तो GSSK में भी वो फ्री है। लोगों लेडी को घर से लाना, घर वापस छोड़ना, मेडिसिन देनी, सिजेरियन सब फ्री, 1% मेडिसिन का खर्चा नहीं है। तो लाइक दैट अपार्टमेंट का एक सिस्टम मंडल न्यू जो यहाँ पर अपने सुपरिटेंडेंट साहब आए हैं उनसे मिला है, और एक इंट्रोडक्शन मीटिंग थी आज हमारी, वो हमारी हुई है, और हमारे जितने भी ऑफिस में रह रहे हैं सब यहाँ पर आए हुए हैं, और इनसे खुलकर बात की है कि हमारे उधमपुर में जितनी भी फैसिलिटी हॉस्पिटल की तरफ से मिलनी चाहिए। पिछले दिनों जैसे कि CT स्कैन की मशीन बंद थी उसके बारे में डिस्कस, जिन लोगों ने बोला कि वो चल रही है, इसी प्रकार जैसे हॉस्पिटल में लाइनें लग जाती थी उसी बारे में हम पूरी डिस्कस की है, और हमें पूरी उम्मीद है कि आगे से अच्छी फैसिलिटी मिलेगी यहाँ पर। जी देखिए, आज हमारी व्यापार मंडल उधमपुर की टीम पूरी अपने सुपरिटेंडेंट साहब से मिली है, जो अभी नए ही उन्होंने ज्वाइनिंग की है। आज हमने उनसे मुख्य मुद्दों पे बात की, जैसे कि काफ़ी सारी ऐसी मशीनरीज है जो कि पेशेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी है, तो वो ऑन टाइम ठीक होनी चाहिए। ये नहीं है कि लोग प्रदर्शन ही करें तो उसके बाद ही इनको सुध आए और ये मशीनें ठीक करवाएं। साथ ही साथ यहाँ पे लंबी लाइनें लगी रहती हैं या पेशेंट्स को जो भी प्रॉब्लम आ रही है, हमने इनको ये बोला है कि भाई जनरल सिविल सोसाइटी की तरफ से हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमें भी आपकी तरफ से ये सपोर्ट चाहिए कि जो भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ है वो ऑन टाइम, अगर कोई मशीनरी ख़राब होती है उसको भी आप टाइमली ठीक कीजिए। और काफ़ी सारे ऐसे हमारे जो मैं कहूँगा कि कुछ यहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं काफ़ी चीज़ों के नहीं हैं, और हमने आज उनसे ये भी डिस्कस किया कि वो सारे जो डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर आएँ, और जो यहाँ पे ये GMC बनने वाला है आने वाले टाइम में उससे भी काफ़ी फैसिलिटीज़ में सुधार होगा। लेकिन जो फ़िलहाल जो हालत है, कई बार हमने देखा है कि काफ़ी लोग जो है हॉस्पिटल में आके बताते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, उन चीज़ों को लेके हमने आज सुपरिटेंडेंट साहब से बात की है, और इन्होंने भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ जो जनरल पब्लिक में काफ़ी अवेयरनेस कम है इन्होंने बताया है कि अगर हमारे पास पेशेंट आ जाता है तो 0% खर्चे पर उसको मेडिसिन तक भी फ्री मिलनी चाहिए। तो आप मीडिया के माध्यम से भी ये लोगों तक जानकारी मिलनी चाहिए, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमारे प्रेजिडेंट साहब से मिल सकता है, और जनता को अगर कोई किसी भी तरीके की हॉस्पिटल के रिलेटेड प्रॉब्लम आई तो हमारी व्यापार मंडल की जो टीम है आवाज़ उठाने में कभी पीछे नहीं रहेगी। धन्यवाद।